हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल किमी एंड सन्स। अयांश मेरा स्कूल गया हुआ है, तो मैं अयांश का एग्ज़ाम है 6 तारीख से, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं उसमें टाइम निकाल के बना रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे आलू मशरूम का सब्ज़ी बनाने का तरीका अगर पसंद आता हो तो मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आलू मेरा फ्राई हो चुका है, निकाल लेती हूँ और मसाला को मैं पीस ली हूँ। और इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी और इसमें मैं डालूंगी सब्जी मसाला और मीट मसाला। तेल डाल रही हूँ, इसमें डालूंगी जीरा, जीरा डालने के बाद जीरा जब थोड़ा लाल हो जाए उसके बाद मैं डालूंगी इसमें प्याज कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज को अच्छी से भूनूंगी। इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला देती हूँ। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी हम डाल देते हैं। प्याज मेरा भून चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर और शिमला मिर्च एक साथ ही डाल देंगे, क्योंकि इसका तो ज़्यादा शिमला नहीं होता है। सब्जी बन के तैयार होता है देखते। जो मसाला पीस के रेडी की थी उसी को मैं डाल देती हूँ और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि तेल ना छोड़ दे। जब तक मसाला मेरा भुना रहा है तब तक मैं रोटी बनाने का तैयारी कर लेती हूँ। आटा तो मैं पहले ही गूंथ के रख दी थी। मसाला मेरा भुना चुका है, जिसमें मैं आलू, चना, मशरूम इसके साथ डाल दूंगी। डाल के और इसमें नमक डाल देंगे, कर इसको ढक देंगे और 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। सब्जी बनके तैयार है दोस्तों, देखिए कितना लाजवाब नज़र आ रहा है, बहुत मस्त लग रहा है देखने में। सलाद भी है इसके साथ। अब मैं खाना सर्व करने जा रही हूँ। मैं लंच पैक कर चुकी हूँ, देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है सब्जी।